हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये करंट एनर्जी चेक होगा। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग 99% इंट्यूटिव रहती है। जो भी यहाँ पर मैं शेप्स एंड साइज देखती हूँ कैंडल वैक्स के, अपनी इंट्यूशन के थ्रू उसको इंटरप्रेट करके आपको बताती हूँ। तो हो सकता है ये आपसे एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट करे, और हो सकता है बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये 99% इंट्यूटिव है। ओके, तो इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, यह रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी जब आप इसे देख रहे हैं, तभी आपके साथ मैच करेगी, चाहे आप इस वीडियो तक फिर कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं, सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके व्यूअर्स, ध्यान रखें इस बात का कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल देता है, उसका विश्वास ना करें। वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है और ना ही मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। ओके व्यूअर्स, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। स्टे पॉजिटिव व्यूअर्स। सबसे पहले जो चीज दिखाई दी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक हार्ट शेप नजर आया है। एक्चुअली दो नजर आए हैं अब। ओके, तो दिल का मामला है। आपके पर्सन करेंटली आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, अफेक्शन महसूस कर रहे हैं आपके लिए, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। यस, अगेन आई कैन सी द हार्ट हियर। व्यूअर्स, आपके पर्सन जेन्युइनली आपको जेन्युइन, उनकी फीलिंग्स जो हैं वो जेन्युइन हैं, उनके इंटेंशंस जो हैं वो जेन्युइन हैं, और आप उनकी फीलिंग्स पर डाउट नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। उनके इंटेंशंस प्योर हैं आपको लेकर। ओके, व्हाट इज दिस, लुक्स लाइक व्यूअर्स, हो सकता है यहां किसी के साथ बिट्रेयल हुआ है और आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी हैं। अगर इन्होंने आपको बिट्रे किया है तो ये काफ़ी हर्ट है, ये खुश नहीं है अपनी सिचुएशन में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई है जिसके साथ बिट्रेयल हुआ है, कोई है जिसके साथ धोखा हुआ है, एंड योर पर्सन इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, दे आर नॉट फाइन विद इट। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कर्मा भी सर्व हुआ हो सकता है इनको, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो ये फेस भी कर रहे हैं, और ये जो भी फील कर रहे हैं आपके लिए, ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके,
जैसे किसी दिए को बुझने से, हवा से कोई दीपक बुझ जाता है तो बुझने से उसको प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे हाथ लगा के, ऐसा लग रहा है कि कोई किसी दीपक को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई किसी दिए को प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन लिटरली ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया उसके बाद अब इस कनेक्शन में कोई स्कोप नहीं है, अब ये कनेक्शन सिर्फ एंड होगा, और इसीलिए वो इसको बचाने की आखिरी कोशिश करेंगे, या इसको बचाने के लिए जो एक एफर्ट ले सकते हैं जो लेना चाहिए, मतलब आखिरी तक जो उनको प्रयास करना चाहिए अब वो करने के लिए तैयार हैं, या ऐसा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि लिटरली उनको लगता है कि अभी कनेक्शन खत्म ही होने वाला है या खत्म ही हो चुका है, वो उसको बस प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, कोई एफर्ट लेके, कोई एक्शन लेके आपके लिए, जिससे आप इनको एक और चांस दे दो। इज इट ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अब तक ये सिर्फ यही सोचते रहे हैं, या करेंटली भी ये यही सोच रहे हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे ये आपका विश्वास जीतें, कैसे ये आपको दोबारा कन्विंस करें अपनी बात के लिए। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। यस, आई कैन सी कि बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे, बहुत सोच रहे हैं और बहुत अकेले होकर सोच रहे हैं। यस, अकेले में वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, और सल्यूशन निकालना चाहते हैं कि क्या ऐसा सल्यूशन निकाले वो, या क्या ऐसा कुछ करें जिससे कुछ उनको समझ में आए कि उन्हें ऐसा करना है, और ऐसा करके वो आपको वापस पा सकते हैं, ऐसा करके आप उन्हें एक मौका दोबारा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने अगर आपको बिट्रे किया था तो उनको अब बहुत तकलीफ़ हो रही है, उस खुद की हुई एक्शन की वजह से उन्हें खुद बहुत तकलीफ़ हो रही है, बुरा लग रहा है, और वो अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो उन्होंने मेस क्रिएट किया है उसको ठीक करना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो लिटरली बस एक एंड होते हुए कनेक्शन को बचाने की कोशिश में लगे हैं। इनको व्यूअर्स ऐसा लगता है कि आपको सफाई देनी पड़ेगी, आपको सब कुछ सच बताना होगा, आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं उनका जवाब देना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका क्लैरिफिकेशन इन्हें देना बाकी है, एक्सप्लेनेशन इनको देना चाहिए, क्लैरिफाई करनी चाहिए, जस्टिफाई करने चाहिए अपने एक्शंस और अपने मिस्टेक्स जो भी हैं, वो बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था, और कुछ अगर छिपाया है, कुछ अगर झूठ बोला है तो वो भी क्यों किया है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ इन्हें क्लियर करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये आपको किंग एंड क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं, लाइक क्वीन ऑफ सोज, लाइक किंग ऑफ सोज, तो उन्हें लग रहा है कि आप बिल्कुल भी स्वीट और इमोशनली और पोलाइटली इनके साथ डील नहीं करने वाले हैं। अब आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इनके साथ डील करेंगे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये आपसे थोड़ा डर भी रहे हैं। यस, इन्हें थोड़ा डर भी लग रहा है कि कैसे ये आपको फेस करेंगे, क्योंकि ये आपको फेस ही नहीं कर सकते, कुछ ऐसा मिस्टेक कर दिया है जिसकी वजह से ये आपको फेस भी नहीं कर सकते हैं, और ये जानते हैं कि अगर ये आपको वापस पाना चाहते हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा, इन्हें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी होंगी। यस, आई कैन सी द आउल हियर, द शेप इज लिटरली लाइक आउल। व्यूअर्स, ये मुझे लग रहा है रात भर जागते रहते हैं, ये या तो आपको स्टॉक करते हैं, या ये सोचते रहते हैं, लाइक डीप थिंकिंग करते रहते हैं, लेकिन ये रात भर जागते रहते हैं और सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। यस, ऐसा लग रहा है कि ये आपको कोई हिंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या इन्होंने कोई हिंट दी होगी, जैसे अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर दिया होगा, या जैसे आपको कोई मिस्ड कॉल कर दिया होगा, या कोई मैसेज सेंड किया होगा, या कोई पिक्चर आपकी लाइक कर दी होगी, कोई पुरानी फोटो आपकी लाइक कर दी है, या कुछ कुछ भी ऐसा हिंट दिया है, कोई स्टेटस में कुछ ऐसा लिख दिया, स्टोरी में कुछ ऐसा लिख दिया, जिसकी वजह से आपको हिंट मिल जाएगा कि क्या ये मेरी ही बात कर रहे हैं, क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये आपको हिंट देना चाहते हैं किसी तरीके से कि अभी भी ये आप में कितना इंटरेस्टेड हैं, और अभी भी ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन खत्म ना हो, टूटे ना, तो ये अभी भी आपको हिंट देना चाहते हैं। हो सकता है हिंट दी भी है आपको रिसेंटली, आप याद करने की कोशिश करिएगा।
मुझे लगता है अपने करियर में कुछ ऐसा कर रहे हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में, या यू नो पर्सनली पर्सनल लाइफ में कुछ तो ऐसा सीख रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, या तो ग्रो कर रहे हैं फाइनेंशियली, या इन इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ रही है, यू नो सब इनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपको दिखाना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं कि देखिए कितने आगे बढ़ रहे हैं, आप इनकी सक्सेस से, आप इनकी ग्रोथ से इम्प्रेस हो जाएं। इसीलिए थोड़ा ये शो भी करना चाहते हैं कि ये कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना इन्होंने अचीव किया है, ये कैसे इनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, कैसे सब इनको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ पर ध्यान दें, और ये सब इसीलिए क्योंकि आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, दोबारा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपनी तरफ। सभी के लिए तो नहीं, लेकिन 60% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। यस, आपके पर्सन या आप लोग किसी दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री में रहते हैं, दूसरे विलेज या टाउन में, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस यहाँ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन कहीं और के रहने वाले हैं और कहीं और रह रहे हैं, या आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नजर आ रहा है मुझे। या तो व्यूअर्स आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं, या आप ट्राई कर रहे हैं, चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विस में यू नो जॉब करना, कोई गवर्नमेंट पोजीशन चाहिए आपको, या आपके पर्सन हो सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, या वो भी यू नो दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक पावरफुल पोस्ट, एक यू नो अथॉरिटी वाली पोस्ट नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट पोस्ट हो आपकी या आपके पर्सन की। अगर नहीं है तो इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट पोजिशन में, गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है, जिसका बहुत इन्फ्लुएंस है परिवार पर। अगर इनकी फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उस पर्सन का काफ़ी कंट्रोल है इनके घर पे, इनकी फैमिली पे, यू नो आपके पर्सन के लाइफ के डिसीजंस में काफ़ी कंट्रोल है उस पर्सन का जो गवर्नमेंट सर्विस में है, या किसी पावरफुल पोस्ट पे हैं, पावरफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो आपके पर्सन की फैमिली में कोई ऐसा डोमिनेटिंग एंड पावरफुल पर्सन है जिसका बहुत इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन की लाइफ पर। हो सकता है व्यूअर्स आप इनसे सोशल मीडिया पे मिले हों, लाइक अगेन 60% लोगों के लिए ये बात कहूंगी। हो सकता है आप इनसे सोशल मीडिया पे मिले हों, या वर्क प्लेस पे मिले हैं आप इनसे। अगर आप इनसे फेस टू फेस नहीं मिले हैं बहुत दिनों से, तो ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, लाइक दे वॉन्ट टू सी यू इन रियल, ये आपको देखना चाहते हैं, आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। ओके, अब व्यूअर्स ये सिर्फ ट्राई करेंगे बैलेंस करने का सिचुएशन को, क्योंकि इनको पता है सिचुएशन इनकी तरफ से इम्बैलेंस है। इन्होंने सही एक्शन, सही डिसीजंस सही टाइम पर नहीं लिए हैं, और अब ये चाहते हैं सब कुछ वापस यू नो ठीक करना। तो मुझे लगता है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अब चीज़ों को। हीलिंग नज़र आ रही है मुझे। अगर फैमिली इश्यूज की प्रॉब्लम थी तो वो भी रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हीलिंग हीलिंग फैमिली इश्यूज, आपके फैमिली इश्यूज थे तो वो आपकी तरफ से थे, तो वो हील हो रहे हैं। अगर आपके पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज थे तो मुझे लग रहा है वो हील हो रहे हैं। अगर फैमिली का इंटरफेरेंस ज़्यादा था, या फैमिली का कंट्रोल या डोमिनेशन ज़्यादा था, तो मुझे लग रहा है कि वो इशू भी अब हील हो सकता है, क्योंकि अब आपके पर्सन जेन्युइन एफर्ट्स लेंगे। अब तक उन्होंने शायद जेन्युइन एफर्ट्स लिए नहीं थे, समथिंग लाइक दैट। आई कैन सी ट्रैवल व्यूअर्स, आपके पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या करने वाले हैं, या चाहते हैं कि वो ट्रैवल करके आपके पास आए, बट आई कैन सी द ट्रैवल हियर। यस व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गिव यू समथिंग,
कुछ भी हो सकता है, जैसे एक टोकन ऑफ लव समथिंग, ऐसा लग रहा है कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आपका जन्मदिन आ रहा हो, या रिसेंटली अगर आपका जन्मदिन अभी गया है तो वो आपको कुछ तोहफा देना चाहते थे, दे पाए या नहीं दे पाए दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन, बट कुछ गिफ्ट लग रहा है जैसे वो आपको देना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। और ये एक वादा भी हो सकता है, शायद आपको वादा देना चाहते हैं, कोई प्रॉमिस देना चाहते हैं, या कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। यस, ऐसा लगता है व्यूअर्स जैसे खाली सुनसान सड़क है, दूर तक जाती है खाली सड़क। ऐसा लगता है कि योर पर्सन इज फीलिंग आइसोलेटेड, काफी खालीपन, काफी एम्प्टीनेस फील हो रही है इनको अपनी लाइफ में। काफी एम्प्टीनेस फील हो रही है। ओके, तो यहाँ पर व्यूवर्स ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि गिव मी अ सेकेंड, आपके पर्सन ऐसा बताना चाहते हैं, एक सॉन्ग चैनल हो रहा है यहाँ पे, वो जो उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, बता सकता है। ये सॉन्ग आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता इसमें कौन फीचर्ड है इस गाने में, किसने गाया है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन ऐसा है, दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उनका सलाम आया। दिन की तरह तुम आना, शाम के जैसे ढलना तुम, ख्वाब बिछा रखे हैं राह में, सोच समझ कर चलना तुम। यस, ओके, शुरू ऐसे ही होता है शायद, दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है। और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स बता सकता है कि ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, शायद इसमें सलमान खान जी फीचर्ड हैं, मुझे एक्ट्रेस का नहीं पता है कौन फीचर्ड है, पर आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको अगर ये लिरिक्स आप डालेंगे तो शायद। ठीक है, अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाएगी जिनको नहीं पता चल पाया है। यस, ओके, इट लुक्स लाइक अ बोट, व्यूअर्स यहां पर ऐसा दिखता है जैसे कोई बोट है, वी वर शिप्स इन द नाइट, वी वर शिप्स इन द नाइट। यस, आई डोंट नो व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि किसी किनारे पर पहुंचने की इच्छा, डेस्टिनेशन तक पहुंचने की इच्छा, आपके पर्सन कहीं पहुंचना चाहते हैं या किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं। यस, आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग दिस मैसेज, वी वर शिप्स इन द नाइट। ओके, आई एम नॉट गेटिंग इट क्लियरली कि क्यों मुझे ये चैनल हो रहा है, वी वर शिप्स इन द नाइट, और किसी किनारे पर पहुंचना चाहते हैं, शायद किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, कुछ कुछ गोल है, कुछ विजन है, उसको अचीव करना चाहते हैं। यस, ऐसा यहाँ पर लग रहा है व्यूअर्स। आई कैन सी द बलून्स ऑल्सो अगैन, ऐसा लगता है कि सच में किसी का जन्मदिन अभी बीत के गया है या यू नो आने वाला है,
आप दोनों में से किसी का जन्मदिन हो सकता है। या तो कभी आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, इग्नोर किया था, अवॉइड किया था, जिस बात का उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर आप इस बात का रिवेंज लेंगे, टिट फॉर टैट करना चाहेंगे, तो फिर आप इनको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इन्होंने कभी आपको रिजेक्ट किया था, तो अब इन्हें खुद रिजेक्ट होने से डर लग रहा है। रिजेक्शन सिर्फ यही नहीं कि मना किया था, इग्नोर किया, अवॉइड किया, शायद ये अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से, ग्रोथ से इंप्रेस करना चाहते हैं आपको, पॉसिबल है ये भी यहां पे। यस, बट ये लेट नाइट जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में। यस, आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग द मैसेजेस ऑफ शिप्स एंड द रिवर एंड द वाटर बॉडी। हो सकता है आपके पर्सन जहाँ रहते हैं या आप जहाँ पे रहते हो उस सिटी में आसपास कोई वाटर बॉडी हो, कोई तालाब, कोई लेक, कोई झील, कोई नदी का किनारा वहाँ हो जहाँ पर रहते हैं उस शहर में, उसके आसपास कोई पुराना कुआ हो, कोई पुराना तालाब हो, ये भी पॉसिबल है। बट देर इज़ अ वाटर बॉडी, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वाटर बॉडी। ओके ओके, दिस इज वेरी, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इतना स्पेस भी नहीं आया इसके अंदर, इसमें इतना स्पेस नहीं है। ओके, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं व्यूअर्स आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग। कुछ तो चेंज हुआ है इनकी लाइफ में, कुछ तो इनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, कुछ ऐसा टावर मोमेंट आया है, कुछ सडन इनकी लाइफ में इतने ड्रास्टिक और बिग चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से इनके अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि ये आपके साथ अब नई शुरुआत चाहते हैं। आपके और इनके नाम में SH हो सकता है, डबल A हो सकता है, Y हो सकता है, K हो सकता है, R हो सकता है, जी, ई, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या इनके नाम में हो सकते हैं। व्यूअर्स, गिव मी अ सेकंड, कैंडल खत्म हो गई। तो ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या इनके नाम में हो सकते हैं। अगर ये लेटर्स आपके पर्सन के साथ मैच नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, ये तो इंट्यूटिव थे जो मैंने चैनल कर दिए आपको। चलिए मैं यहाँ पर और क्लियर करती हूँ और देखती हूँ डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। जस्ट वन मैसेज और मे बी टू, चलिए देखते हैं। डोंट स्टॉप, डिवाइन व्यूअर्स आपको कहना चाहते हैं कि रुकिए का मत, जहां आगे बढ़ रहे हैं, जो ठान के आप आगे बढ़ चुके हैं, आपने कदम बढ़ा लिए हैं अपने आगे और जो करने वाले हैं, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपका फैसला सही है व्यूअर्स, आप कहीं भी गलत नहीं सोच रहे हैं, यू आर राइट इन योर प्लेस। ओके, आपको रुकना नहीं है, डिवाइन आपको मना कर रहे हैं, लाइक डू नॉट स्टॉप। ठीक है, चलिए एक कार्ड और लेते हैं। Ask your angels, फिर भी कोई confusion है, फिर भी कोई clarity नहीं है, तो आप अपने angels को पूछिए, यानी कि अपने guardian angels को पूछिए, अपनी connectivity strong करिए, ठीक है, divine के साथ, angels के साथ, spirits के साथ अपनी connectivity, अपना network strong करिए, और अपने angels से पूछिए, अपने guardian angels से पूछिए, जिस भी चीज़ को लेकर आपको clarity है, confusion है, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। या तो आपको angel numbers दिखाई देंगे, उन एंजल नंबर्स का आप मीनिंग देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, या आपको किसी सॉन्ग में, किसी स्टोरी में, किसी सीन में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह ऐसा हो सकता है कि सपने में भी, आपको ड्रीम्स में भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हम्म,
तो अपने एंजल्स को पूछिए अगर कोई कंफ्यूजन आपको है, ठीक है? तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, अगर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, यस, और ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई आपको मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, कितने परसेंट रेजोनेट की है ये रीडिंग आपसे, ओके, आपके सिचुएशन से कितनी रिलेटेबल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।